हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कस्टर वीडियोस में। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। जो वीडियो री एग्ज़ाम होना है, जो परीक्षा रद्द हो गई थी उसको उसका दोबारा एग्ज़ाम करा रहे हैं UP SSC। विज्ञापन संख्या जो UP BDO की जो वैकेंसी आई थी, विज्ञापन संख्या 2/2018, उसमें जो कुलपत थे 1953 टोटल कुलपत थे 1953, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 पद थे टोटल, ग्राम विकास अधिकारी के थे 362 पद और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के थे 64 पद। कुल टोटल पद थे 1953 पद थे। तो ये भर्ती जो है, भर्ती जो प्लस की जो परीक्षा हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जो परीक्षा हुई थी, UP SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी जो परीक्षा कराई थी 22-23 दिसंबर 2018 को हुई थी इसकी परीक्षा। जो इसमें जो कुल परीक्षार्थी बैठे थे, टोटल 9 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। इसमें कुल फॉर्म भरे गए थे, इसमें टोटल 14 लाख फॉर्म भरे थे। कुल परीक्षा दी थी 9 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी टोटल। ये परीक्षा जो इसका जो है रिजल्ट भी आ चुका था वीडियो का, लेकिन कुछ धांधली हुई थी इस परीक्षा में, इसलिए ये परीक्षा को रद्द करना पड़ा। UP SSC आयोग को इस परीक्षा को क्या है, रद्द करना पड़ा। दोबारा परीक्षा हो रही है BDO एग्ज़ाम की। तो इसमें जो है धांधली हुई थी, बहुत कस के भ्रष्टाचार हुआ था इस भर्ती में, इसलिए इस परीक्षा को जो है रद्द करना पड़ा। अब इसकी दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है। परीक्षा ये कब आई थी भर्ती, 2018 में आई थी इसका 22-23 दिसंबर 2018 को इसका एग्ज़ाम कराया गया था और इसका रिजल्ट भी आ चुका था, लेकिन ये भर्ती परीक्षा जो है रद्द कर दी गई धांधली के कारण। भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, बहुत ही धांधली की आशंका हुई इसमें, तो इस भर्ती को परीक्षा को जो है रद्द करना पड़ा। इसका द्वारा एग्जाम हो रहा है। इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे 14 लाख, टोटल 14 लाख फॉर्म भरे थे इसमें, इस परीक्षा में। इसका जो कुल वेतन फॉर्मा है इसका 5200 से 20200 वेतन है इसका, 5200 से 20200। इसका ग्रेड पे जो है 2000 ग्रेड पे एक पर ये भर्ती है, इसका ग्रेड पे है 2000। अब मैं आपको इसका सिलेबस बताने जा रहा हूँ, इस परीक्षा में क्या आएगा सिलेबस। देखिए इसमें जो है सिलेबस में हिंदी आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, प्रत्येक क्वेश्चन दो अंकों का होगा, तो 100 अंक टोटल हो रहे हैं इसमें 100 अंक। रीजनिंग आएगी इसमें, 50 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, 1 प्रश्न 2 अंकों का होगा, टोटल 100 अंक हो जाएंगे इसके। GK GS आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे GK GS के, 1 क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, टोटल 100 अंक हो गए, 50 × 100, तो टोटल 300 अंकों की ये परीक्षा होगी। 300 टोटल 300 अंकों में से इसकी कट ऑफ या मेरिट बनेगी इसकी। तो अभी मैं इसकी कट ऑफ के बारे में बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये परीक्षा होगी, इसके बाद मैं इसकी कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, आप सभी को कट ऑफ बताऊंगा इसकी। देखिए मैंने आपको इसका सिलेबस बता दिया है, वीडियो री एग्ज़ाम का सिलेबस बता दिया है। हिंदी आएगी इसमें, रीजनिंग आएगी, GK GS आएगी, 50 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक के, सबके 50 क्वेश्चन होंगे, 300 अंकों की टोटल परीक्षा होगी, 300 अंकों में से इसकी मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, और 2 घंटे की परीक्षा होगी ये। इसकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/2 की, अगर 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा, 0.50 की माइनस मार्किंग है इसमें, 1/2 की माइनस मार्किंग है, अगर 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा। तो इसमें टुक्का तो आप लगा ही नहीं बिल्कुल, नहीं तो माइनस मार्किंग इसमें 1/2 की है। जो भी आए सही करके आएँ, जो प्रश्न आए बस वही करके आएँ, इसमें टुक्के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर टुक्का लगाओगे तो बहुत ही माइनस मार्किंग इसमें 1/2 की, बहुत प्रश्न आपके माइनस मार्किंग चली जाएगी, आपके प्रश्न माइनस हो जाएंगे इसमें। तो इसकी जो कट ऑफ के बारे में अभी बातचीत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ये परीक्षा होनी है, इसके बाद मैं आप कट ऑफ की बारे में बातचीत करूँगा, इसकी परीक्षा हो जाए इसके बाद थोड़ी इसके बारे बाद मैं डिटेल निकालूँगा, इसके बाद मैं इसकी कट ऑफ के बारे में बातचीत करूँगा आप सभी लोगों से। तो आप सभी लोग अभी तैयारी कीजिए, इसकी सिलेबस मैंने आप सभी को बता दिया है, 50-50 प्रश्न आएंगे सबकी, हिंदी रीजनिंग
और जी के जी एस के 50-50 क्वेश्चन होंगे, 30 लोगों की टोटल परीक्षा होगी। आप सभी लोग तैयारी कीजिए, अभी 27 तारीख को इसकी परीक्षा है, 27-28 जून को इसकी परीक्षा है वीडियो की, तो आप सभी लोग तैयारी कीजिए इसकी। जब एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था तो 9 लाख लोगों ने इसकी परीक्षा दी थी, 9 लाख लोगों ने, अब थोड़े कहीं लोगों के सिलेक्शन हो चुके हैं, बहुत सी भर्तियों के, कम से कम 5 साल बाद ये परीक्षा हो रही है, क्योंकि 2018 में इसकी परीक्षा हुई थी, 22-23 दिसंबर 2018 को इसकी परीक्षा कराई गई थी यूपी ट्रिपल सी द्वारा, अधीन सेवा चैनल द्वारा इसकी परीक्षा कराई गई थी 22-23 दिसंबर 2018 को। 5 साल हो चुके हैं, अब परीक्षा हो रही है, तो बहुत से लोगों के सिलेक्शन हो चुके होंगे, कहीं बहुत भर्तियाँ क्लियर हो चुकी हैं, तो लोगों के कम चांस हैं इस परीक्षा को देने के, बहुत से लोग परीक्षा छोड़ेंगे कहीं, क्योंकि बहुत से सिलेक्शन हो चुके हैं लोगों के, कहीं ना कहीं लोग शिफ्ट हो चुके हैं पहले से जॉब में, कहीं नौकरी लग चुकी है बहुत से लोगों की, तो पहले 9 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, अब कम से कम 5 लाख अगर माइनस कर लें इसमें तो 4 लाख लोग परीक्षा दे सकते हैं, इसमें 4 लाख लोगों की परीक्षा देने की संभावना है, 4 लाख लोगों की परीक्षा में बैठने की संभावना बनती है इसमें, तो आप सभी लोग तैयारी कीजिए। इसमें कट ऑफ भी कम जा सकती है इस बार, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, भर्ती पुरानी है अभी मैं, लेकिन कट ऑफ के बारे में बातचीत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कट ऑफ को बताना अभी बेकार ही है, कट ऑफ बताऊँगा जब एग्ज़ाम हो जाए आप सभी लोगों का, उसके बाद मैं अध्ययन करूँगा कट ऑफ पर, कट ऑफ बताऊँगा इसके बारे में सही। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 70% कट ऑफ गई थी, 70-75% कट ऑफ गई थी, तो एनालिसिस करूँगा मैं कट ऑफ के बारे में, आप सभी को कट ऑफ बताऊँगा, आप सभी लोग पेपर दीजिए पहले, एनालिसिस करूँगा कट ऑफ के बारे में वीडियो की, वीडियो री एग्ज़ाम दीजिए आप सभी लोग। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों को जानकारी कैसी लगी है आप सब बताइए कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आप सभी लोगों को जानकारी दी है, आप सभी लोगों को सिलेबस बता दिया है, आप सभी लोग तैयारी कीजिए, बहुत ही बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए आप सभी लोगों को। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।